अब ये तो ज्यादती है सर। पंचायत के फैसले के बाद मेरे बेटे सुमित ने उस लड़की से बात तक नहीं की है। और सर तलाशी तलाशी के नाम पे पूरा घर उथल पुथल करके देख लिया आप लोगों ने। हम सुमित को गिरफ्तार नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ सवाल पूछने के लिए जा रहे हैं। सर मैं पहले ही आपके सारे सवालों के जवाब दे चुका हूँ। अब तक हमने सिर्फ कुछ ही सवाल किए हैं सुमित, सारे नहीं। और जब तक शिखा मिल नहीं जाती तब तक सवाल रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैडम जब से पंचायत ने हमें वार्निंग दी है तब से हम इन चक्रों में बिल्कुल पड़े ही नहीं है। मैडम अब तो सुमित से मिलना जुलना भी बंद कर दिया हमने। मैडम हमको कैसे पता होगा कि शिखा कहाँ है? वो हम सब पता कर लेंगे धीरज मयन, बस इस बार हम तुमसे अपनी तरह से पूछताछ करेंगे। इतना सब होने के बाद भी आपने अपनी बेटी को इतनी छूट दे रखी थी? अर्जुन जी शिखा सुधर गई थी, कसम खाई थी उसने कि सुमित को भुला देगी। जाहिर है कि वो झूठ बोल रही थी, तभी तो आपके नाक के नीचे से भाग कर आपकी नाक कटा दी उसने। इतना बड़ा कांड हो गया उसके बाद भी आपने शिखा को फिर से फोन इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। अरे बाप हूँ कोई जल्लाद नहीं, सहम सहम के मांगती थी तो दिल पिघल जाता था। उसने वादा किया था कि अपने कॉलेज की सहेलियों के अलावा किसी से बात नहीं करेगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे। जो होना था सो हो गया। राजपाल जी अब जब आपकी लड़की को लाया जाएगा तो उससे और इस पूरे मामले से हम निपटेंगे। अभी आपके घर का मामला नहीं, ये पूरी बिरादरी का मामला है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ सर, मैंने शिखा को कहीं नहीं छुपाया है। मैं बार बार ये भी कह चुका हूँ कि शिखा के बारे में सुनकर मुझे भी उतना ही शौक हुआ है। ये तेरे फोन रिकॉर्ड्स और शिखा के फादर राजपाल चौहान के फोन रिकॉर्ड्स। परसों यानी 2 अक्टूबर को शाम 5 बजे राजपाल जी के फोन से तुझे कॉल आया था। शिखा के फादर तो तुझे फोन करेंगे नहीं, कॉल शिखा ने किया था ना? हाँ तो मैंने कब कहा है कि शिखा ने मुझे फोन नहीं किया है सर? लगभग 1 महीना हो चुका है हम दोनों को जबरदस्ती जुदा किए हुए, उसे चांस मिला और उसने मुझे फोन किया। सुमित मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। क्या कहूँ शिखा, अब रोना आ रहा है मुझे। पति पत्नी है हम, लाइफ हो तुम मेरी। क्या क्या सपने देखे थे मैंने हमारे बारे में। ये सपने सच कैसे हो सकते हैं? बस हम एक हो जाए शिखा, सारे सपने सच हो सकते हैं। फिर से एक कैसे हो सकते हैं? फिर से भाग जाए? मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बात है। क्या बात है शिखा? सुमित हम इस बार ऐसी जगह भागेंगे जहाँ हम तक कोई ना पहुँच पाए, क्योंकि अगर इस बार हम पकड़े गए तो भैया और पापा हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमारे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं शिखा, पहले हम एक थे, 2 टुकड़ों में बट गए। अब सुमित शायद भैया आ रहे, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। आई लव यू। हाँ बस एक बार बात हुई थी, आप चेक कर लीजिए रिकॉर्ड्स। सर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर शिखा मेरे साथ दोबारा भागती ना तो आप लोग कभी नहीं ढूंढ पाते। ये तरह इमोशनल ड्रामा है ना, यहाँ नहीं चलेगा। हमें पता है तू कोई खेल खेल रहा है हमारे साथ, सबके साथ। सर मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ और इमोशनल ड्रामा मुझे भी पसंद नहीं है। लेकिन शिखा उस दिन इमोशनल हो गई थी और मैं पिघल गया। किस दिन? जब हम भागे थे, जिस दिन हमने शादी की थी। हमारा आगरा छोड़कर कहीं और जाने का प्लान था, पर शिखा को एकदम से अपने घर वालों की याद आई और वो इमोशनल हो गई। पीसीओ से फ़ोन करने की ज़िद करने लगी और मैंने हाँ कर दिया। पर उस दिन वो फ़ोन नहीं किया होता ना तो हम सच में कहीं और सेटल हो गए होते। मयंक धीरज मैं तुम दोनों की बात पर यकीन कर रहा हूँ और तुम दोनों को जाने दे रहा हूँ। थैंक यू सर। अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम दोनों ने झूठ बोला था तो सॉरी बोलने के लायक नहीं बचोगे। ओके सर, ठीक है जा। सुनीता इन दोनों पर नजर रखो, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं करना। जी सर, साजिद नगर में लड़के एक्टिवेट कर दिए हैं। वैसे कल रात को ये दोनों मयंक और धीरज घर पर ही थे, किसी ने इन्हें कहीं आते जाते भी नहीं देखा। शोभापुर से शिखा को भी घर से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा था, बट फिर भी लड़की गायब हुई। सर सुमित से हर तरह से पूछताछ की, इस बार लगता है इस बंदे का कोई हाथ नहीं। परसों शिखा और सुमित की आपस में फोन पर बात हुई और आज सुबह लड़की घर से फिर गायब होगी। सर लेकिन इन दोनों की पिछले 1 महीने से कोई भी बात नहीं हुई है। हमारे सामने जितनी चीज़ें हैं हमें उतनी ही मालूम है, हो सकता है कुछ चीज़ें हमें मालूम ही ना। विशाल तो शिखा को अपना फ़ोन देने से रहा और शिखा की माँ जानकी उनके फ़ोन रिकॉर्ड में भी कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं नहीं पूछा, शिखा ने कसम खाई थी, दिल से कसम खाई थी कि वो सुमित से कभी नहीं मिलेगी ना बात करेगी। क्या कभी शिखा चुपके से अकेले घर से बाहर निकली थी? कैसे जा सकती है पूजा, 2400 घंटे नजर रहती थी मेरी उस पर, और कभी बाहर भी जाती थी तो हम तीनों में से कोई ना कोई रहता था उसके साथ। सर कल रात यानी 3 की रात और आज 4 की सुबह तक राजपाल चौहान के फोन से कोई भी कॉल नहीं किया गया। जब पहली बार शिखा और सुमित भागे थे हो सकता है उस वक्त सुमित ने
शिखा को कोई दूसरा फोन दिया? सर अगर ऐसा होता तो सुमित के फोन पर उस नंबर से कोई तो कॉल हुआ होता। शायद सुमित के पास कोई दूसरा फोन हो। सुमित तू ठीक तो है ना बेटा? सुमित बेटा तूने सच में तो नहीं? काश मैंने सच में उसे भगाया होता। उसकी फैमिली से दूर, आप लोगों से दूर, किसी कोने में सुखी रह रहे होते हम लोग। सोच सोच के पागल हुआ जा रहा हूं, मेरी पत्नी कहां गायब हो गई? पिछली बार तुम दोनों ने बहुत कुछ छुपाया हम लोगों से, इस बार ऐसा कुछ भी मत करना। इतना खुदगर्ज होना भी अच्छी बात नहीं है कि तू सिर्फ अपने बारे में सोचे। जो कुछ भी किया ना तूने, उसकी वजह से कितनी जिल्लत सहनी पड़ी हमें। हुक्का पानी बंद होते होते रह गया हमारा। हुक्का पानी बंद होने की पड़ी है पापा, या मेरी सांसें बंद होने को? ईश्वर के सामने शादी की है मैंने शिखा से, मांग भरी है, मंगलसूत्र पहना है, उसका कुछ नहीं। पहले मुझे समाज के नियम समझ में नहीं आ रहे थे, अब मुझे शिखा समझ में नहीं आ रही। कहाँ चली गई वो? मैं पता लगाती हूँ सुमित के पास दूसरा फोन है या नहीं। हाँ, और ये भी पता लगाओ कि अगर सुमित शिखा को कहीं छुपा सकता है तो कहाँ। सुमित की एक बात खटक रही है। क्या? कह रहा था कि जब वो पहली बार भागे थे तब शिखा के इमोशनल ड्रामे से उसे पिघलना नहीं चाहिए था, उसे वो फोन कॉल नहीं करने देना चाहिए था जो उसने अपने परिवार वालों को किया। शिखा ये तुम कैसी बात कर रही हो? अगर अभी तुमने मम्मी पापा को फोन किया तो वो पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं, गले पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। देखो तुम्हारे मम्मी पापा 100% पुलिस के पास चले गए होंगे। मेरा और मैं, हम तीनों का फोन इस वक्त सर्वेलेंस पे है। किसी ने भी तुम्हारे घर फोन करने के लिए फोन ऑन किया ना, तो हमारी लोकेशन उनके सामने होगी। मैं तुम तीनों में से किसी का फोन इस्तेमाल नहीं करूंगी, पीसीओ से फोन करती हूँ। और अभी क्यों शिखा, अभी क्यों? क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा है सुबह, उन्होंने मुझे बड़ा किया है, इस दुनिया में लाया, इतना प्यार दिया। मैंने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना तो बनता है कि उन्हें बताओ कि मेरी शादी हो चुकी है। वो गलती थी मेरी, उसे फोन करने देना बहुत बड़ी गलती थी। सर वैसे सुमित गलत नहीं बोल रहा, वो एक फोन आया और इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, ना वो फोन आता और ना ही हम उन्हें ट्रैक कर पाते। सर एक बात और खटक रही है, 2 तारीख की शाम को शिखा ने राजपाल जी के फोन से सुमित को फोन किया। हो सकता है ये बात फैमिली को पता चल गई हो, काफी गर्मा गर्मी हुई हो, मारपीट हुई हो और एक्सीडेंटली या जानबूझकर शिखा की मौत हो गई। ये जरूरी था पापा, इस मसले को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी था। इस खेल में मोहरे को यह थोड़ी पता था कि वो सिर्फ एक इस्तेमाल करने की चीज है, काम हो जाने पर बिना पलक झपकाए उसे कुर्बान कर दिया जाएगा। बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं प्यार की तुलना जंग से की है, कहते हैं ना प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। जंग तो छिड़ गई थी, हमने शिखा को खोजने के लिए वॉर फुटिंग पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, पर इस ऑपरेशन के दौरान हम सबको इस बात का आभास भी हो गया था कि जिसे हम खोज रहे हैं वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। सुमित ने उस गलती के बारे में बात की थी, उस पीसीओ से किए गए फोन कॉल को एक बहुत बड़ी गलती करार दिया गया था। क्या उसका शिखा के दूसरी बार गायब होने से कोई कनेक्शन था? ऐसे ऐसे कनेक्शन जो हमसे पूरी तरह से छुपे हुए थे, हमसे नहीं बल्कि सबसे करीबी लोगों को भी इस बात का जरा सा एहसास तक नहीं था कि पर्दे के पीछे वाले पर्दे के पीछे और कितने पर्दे हैं। सर गांव वालों ने हाईवे पर चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है, हमने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन को इत्तला कर दी है। अरे पुलिस वालों करो कुछ काम, नहीं हटेगा चक्का जाम, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज
शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रास्ता जाम करने से इस मसले का हल कैसे निकलेगा मुझे बताइए। एसपी साहब, हल निकलता है तो निकले, नहीं निकलता ना निकले, लेकिन कम से कम सच्चाई तो सामने आएगी। कैसे सच्चाई? यही कि दो दिन से आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं कि गांव की बेटी शिखा को आप ढूंढ रहे हैं। और उस लड़के सुमित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसने ये कांड किया है ना उसे गिरफ्तार किया गया ना उसके परिवार वालों को। तो आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि शिखा सही सलामत घर वापस आ जाए या दो जातियों के बीच में झगड़ा हो, ये चाहते हैं आप? अरे एसपी साहब, पहली बार जब सुमित ने हमारी बेटी को किडनैप किया था तभी आपने उसे गिरफ्तार किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल सही, जब आपने ठंडे दिमाग से काम लिया तो आपकी पुलिस ठंडी हो गई थी। अब जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती तब तक आप हमारी गर्मी देखो। एसपी साहब, सर हमारी मांग है जो ऑफिसर इस केस को देख रहा है उसे हटाकर किसी दूसरे ऑफिसर को लाया जाए। बिल्कुल, पुलिस वालों को मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं खुद इस केस के ऊपर ध्यान रखूंगा और शिखा को हम जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज कोई ऐसी हरकत ना करे कि दो जातियों में तनाव बढ़े। प्लीज मेरी बात सुन। ऑनर किलिंग का एंगल बहुत ही स्ट्रॉन्ग मालूम पड़ता है। आई वांट द कल्प्रिट्स, मुझे सारे सबूतों के साथ में कल्प्रिट चाहिए इमीडिएटली सर। और अगर तुम्हें लगता है कि ये एंगल सही नहीं है तो अपना लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन चेंज करो और उस पर काम करना शुरू करो। जातियों के बीच का दंगा काउंटडाउन की तरह सर पर मंडरा रहा है। जानते हैं सर, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि लड़की अपने आप कहीं चली गई चुपचाप बिना बैग और लगेज लिए। लेकिन अगर परिवार वालों ने लड़की को खुद ही मार दिया तो सर फिर मामला 2+2 नहीं रहता, क्योंकि जो है ही नहीं उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, जो भी हेल्प चाहिए मेरी ओर से हाँ है सर। और वो लड़के का परिवार साजिद नगर, उन्हें फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, मामला कभी भी हाथ से निकल सकता है। सुन रॉकेट, चुपचाप फायर होना चाहिए, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, साइलेंसर लगा के घुसना पड़ेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू खबरी है, फिर भी लोगों के बीच से ये पता लगाना है कि क्या घर के अंदर कुछ हुआ था। और कोई टूटे ना टूटे लेकिन शिखा की माँ जरूर टूट सकती है, इमोशनल हो सकती है। मैं उनसे बात करती हूँ सर। और उनकी वह पड़ोसन आशीष की पत्नी, क्या नाम उसका? पूजा। उससे भी बात करो, जब घर का मर्द बाहर हो तो घर के अंदर की बात तो टालो। मेरे साथ अंदर आओ और काजल एकदम होशियारी से, किसी को पता ना चले, समझी? ओके मैम। चल। कुछ पता चला शिखा के बारे में? अभी नहीं, आपसे कुछ बात करनी है। घर में सबसे छोटी थी ना, उसके पापा ने उसे बहुत लाड़ से रखा था। समझ सकती हूँ, उनका गुस्सा भी समझ सकती हूँ। किसी दूसरी जात के लड़के के साथ भाग जाना, किसी को भी गुस्सा आएगा। सच कहें तो अब भी झूठ ही लगता है सब कुछ। हमारी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है इतनी बड़ी गलती। संभालिए अपने आप को, गलती तो उसने की है और बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे तो दिल से उसने अपनी गलती मान ली थी, कसम खाकर उसने सारे नाते तोड़ दिए थे सुमित के साथ। जब हम यहाँ पिछली बार आए थे तो उसने हमसे कहा था कि उसने सुमित के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। पर पता नहीं ये सब कैसे हुआ। उम्र ही कुछ ऐसी होती है, दिल में कुछ और होता है और जुबान पर कुछ और। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ पता चल गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस अनुमान लगा रहे हैं कि शिखा ने जो वादा किया था कि उसने सुमित को भुला दिया है उस पर शायद आप लोगों को यकीन नहीं था। वैसे यकीन ना होना बिल्कुल जायज है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बात पूछूं जानकी जी, साफ साफ जवाब देंगी? क्या? उस शाम यानी 2 अक्टूबर की शाम को जब शिखा ने आपके पति राजपाल जी के फोन से सुमित को फोन किया था, तो क्या इस बात का पता राजपाल जी और आपके बेटे विशाल को लग गया था?
क्या ये सच है कि ये सब कुछ इस घर की चार दीवारी में हुआ? ये आप क्या कह रहे हो? कह नहीं रही, पूछ रही हूँ। क्या आपके बेटे विशाल और आपके पति ने गुस्से में आकर शिखा का कत्ल कर दिया और फिर हमारे सामने ये झूठी कहानी बुनी कि शिखा सुबह से गायब है, वो घर से भाग गई है, वगैरह वगैरह? झूठ तो वो है जो आप पूछ रही है। आप माँ है उसकी, आपने जन्म दिया है उसको। मेरे पति पिता है उसके, विशाल भाई है उसका। अगर आपको लगता है कि झूठ बोलकर आप अपने पति और बेटे को बचा लेंगी तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हैं, क्योंकि सच तो हम ढूंढ लेंगे। मेरी बेटी को तो आप ढूंढ नहीं पाए और इसीलिए ये आसान तरीका निकालने पर तुले हुए हम ही लोगों को हमारी बेटी के हत्यारे बता रहे हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ ना कि किसी परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी कुर्बान कर दी हो। तो ये भी कोई पहली बार नहीं है कि पुलिस वालों ने किसी मासूम पर झूठा इल्जाम लगाया। नहीं, हमने तो रात को कोई आवाज ही नहीं सुनी। देखिए, आपके पति आशीष चौहान परिवार के काफी करीब है। अब ये नामुमकिन तो नहीं कि वो शिखा के कत्ल में चौहान परिवार का साथ ना दे या फिर उसकी लाश दफनाने में। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर आप लोगों को लगता है कि जात पात के नाम पर आप किसी का कत्ल करके निकल सकते हैं तो ये बहुत गलत सोच है। और एक बात बता दूं, मर्डर मर्डर होता है। जात पात के नाम पर करने से वो कोई पुण्य नहीं हो जाता। आप हमें पाप और पुण्य का लेक्चर तो मत ही दीजिए। एक तो आप इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हैं, ऊपर से अरे शिखा बच्ची थी, हो गई उससे गलती। लेकिन चौहान परिवार कोई जल्लादों का परिवार नहीं है जो उसे मार डालेगा। और मेरे पति इस चीज में उनका साथ देंगे? कभी नहीं। सर, दिल्ली, आगरा, मेरठ और लखनऊ के सभी थानों में शिखा के फोटोग्राफ भेज दिए गए, खबरी नेटवर्क भी एक्टिवेट कर दिया गया। सर, घर में मारकर दफनाए जाने की कोई निशानी नहीं मिली है। शिखा की माँ जितनी इमोशनल है उतनी ड्रामेबाज भी, टूटने के बजाय हम पर ही चढ़ बैठी। तो फिर प्लानिंग क्या रही होगी? क्या शिखा वाकई घर से भाग गई? अगर ऐसा है तो अकेली लड़की कहाँ छुपी होगी या छुपाया गया होगा? सर, ये बात बड़ी अजीब है क्योंकि सुमित और उसके दोनों दोस्त 24 घंटे हमारे रडार में और उनके फोन्स भी, और वहाँ से कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट ट्रैक नहीं हुई। सर, मुझे अब भी लगता है कि दूसरा फोन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कोई लड़की अकेली कहीं छुपी हो और उसके पास फोन ना हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन सुमित का दूसरा फोन अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है। हो सकता है किसी और के नाम पे हो फोन और उन नंबर से ही अपने रेगुलर नंबर्स पे कॉल ही ना करते हो, सेफ खेलते हो। मतलब काफी लंबी प्लानिंग की गई थी, फर्जी नाम, फर्जी सिम। लेकिन फिर वो पहले वाला ड्रामा क्या था? लड़का लड़की घर से भागते हैं, शादी करते हैं और लड़की वापस आ जाती, और लड़की फिर से भागती है लेकिन इस बार लड़का घर पे बैठा है भोला बन के। मुझे लगता है हमारे ये सारे एंगल निशाने से बहुत दूर है। आपका मतलब कोई नया एंगल? सर, एब्सोल्युटली, कोई ऐसा एंगल जो हमारी और बाकी सबकी सोच से भी परे है। सर, तो फिर हमें सब छोड़ के ये दो सेकंड फोन्स पर फोकस करना चाहिए। सर, शिखा के गांव शोभापुर और सुमित के गांव साजिद नगर, इन दोनों की आबादी लगभग मिलाकर 5-6 हज़ार होगी। इस रेंज में सेल फोन्स कितने होंगे? 4-4.5 हज़ार। इनमें से हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो शायद सुमित और शिखा के अल्टरनेट नंबर्स हो सकते हैं। यस, इस सेकंड फोन के एंगल को अच्छी तरह से खंगाल दें क्योंकि हमारे रेगुलर एंगल डेड एंड में मिल रहे, हो सकता है सेकंड फोन की तलाश सही एंगल पर रोशनी डाले। पुलिस शनाप शनाप बकती है तो बके, लेकिन जान की तुम हमसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती हो? माँ, आपको वाकई ऐसा लगता है कि मैं और पापा मिलकर शिखा को जान से मारेंगे, उसे गायब करवाएंगे? हद है माँ। हद तो ये है बेटा कि हमारे घर की जवान बेटी गायब है, तुम लोग ना वो पुलिस ना और कोई उसे ढूंढ पाया है। ऐसा कैसे किसी को कुछ भी नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है?
शोभापुर की कवरेज में लगभग 2000 फोन एक्टिव थे 3 अक्टूबर की रात से लेकर 4 अक्टूबर की सुबह तक। और सर साजिद नगर में करीब 1500 एक्टिव थे। और सर शोभापुर की कवरेज में दो नंबर ऐसे हैं जो इस वक्त स्विच्ड ऑफ है। एक नंबर है 444567897। क्या नंबर है? 444567897। और इस नंबर से 3 अक्टूबर की रात को 11:30 बजे एक दूसरे नंबर पर फोन हुआ जो कि शोभापुर एरिया में था। वो नंबर है 444567898। ये दोनों नंबर ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ लास्ट डिजिट अलग है, 897 और ये है 898। तो हो सकता है ये दोनों नंबर किसी एक ही फैमिली के हो। सर ये दोनों नंबर 7 अक्टूबर को एक साथ स्विच्ड ऑफ हुए। और ये दोनों नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में कोई? नो सर, ये दोनों नंबर एक ही आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है, कोई विश्वास गुप्ता है। विश्वास गुप्ता? तो हो सकता है विश्वास गुप्ता ने अपने इस नंबर से 3 अक्टूबर की रात को 11:30 बजे अपने किसी फैमिली मेंबर को इस नंबर पे फोन किया हो जो उस वक्त शोभापुर के कवरेज एरिया में था। लेकिन सर शोभापुर में कोई विश्वास गुप्ता है ही नहीं। तो फिर ये दोनों नंबर कहाँ के रजिस्टर्ड है? सर लखनऊ। सर ये दोनों नंबर्स 444567897 और 444567898 प्रीपेड नंबर्स हैं जो कि लखनऊ से खरीदे गए 3 महीने पहले यानी जुलाई 2016 में। जुलाई 2016 मतलब जब शिखा और सुमित की प्रेम कहानी शुरू हुई थी तब, राइट? राइट सर। मतलब इस मासूम सी प्रेम कहानी की शुरुआत में ट्विस्ट आ चुका था। बड़े दूर अंदेशी थे ये हीरो हीरोइन, पर इतनी एडवांस प्लानिंग किसके लिए? सिर्फ घर से भाग के शादी करने के लिए। पहले घर से भागे, शादी की, सरेंडर की और कहानी के दूसरे हिस्से में फिर से भाग गए। सर बड़ी पेचीदा कहानी लिखी गई है। लेकिन ये कहानी लिखी किसने? इस विश्वास गुप्ता ने या फिर किसी विश्वासघाती ने? जी कहिए। विश्वास गुप्ता जी घर पे? आप लोग कौन? पुलिस थाना शोभापुर जिला आगरा, हमें विश्वास जी से मिलना है। वो तो मेरे पति थे मगर उनका देहांत हो चुका है। यही है आपके पति? जी हाँ, पर बात क्या है? कब हुआ उनका देहांत? 4 महीना पहले। अच्छा ये जो दो नंबर हैं 444567897 और 444567898 ये उन्हीं के नंबर थे? जी नहीं, ये उनके नंबर नहीं थे। गड़बड़ है सुजी, सुमित और शिखा ने ऐसे बंदे के नाम पे दो फर्जी सिम कार्ड हासिल किए जो 4 महीने पहले गुजर चुका था जबकि इनके पास फोन 3 महीने पहले से। वही तो सर, कोई बहुत बड़ा झोल नजर आ रहा है। और इस स्वर्गवासी विश्वास गुप्ता की पत्नी का कहना है कि उसके पति का शोभापुर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और इस शिखा चौहान और सुमित राठी का नाम तक नहीं सुना उसने। सर दोनों फोन 7 अक्टूबर को स्विच ऑफ हुए थे। 3 की रात और 4 की सुबह के बीच शिखा गायब होती और फिर 3 दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को दोनों के फोन स्विच ऑफ हो जाते। क्यों? क्या उन्हें पता चल गया है कि सर्च ऑपरेशन पूरे जोरों शोरों पर ना हो चुका या फिर फोन स्विच ऑफ होने के साथ साथ कोई किस्सा भी ऑफ हो गया, किसी कहानी का इंटरवल हो गया? सर दोनों फोन शमीम बाग में स्विच ऑफ हुए थे, यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर दूर। शमीम बाग में शिखा के लिए फुल फोर्स से सर्च ऑपरेशन लॉन्च करो और मोबाइल कंपनी से इन दोनों फोन की डिटेल निकलवाओ और उस इंस्ट्रूमेंट का IMEI भी पता करो जिसमें ये दोनों नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सिर्फ इंटरकास्ट लव अफेयर का मामला नहीं, ये मामला कुछ बहुत ही सीरियस मामला है। सर मैं टॉयलेट जाता हूँ तब भी आपके लोग मुझ पर नजर रखते हैं, ऐसा लगता है वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए नहीं मुझ पर जासूसी करने के लिए रखे गए। और इस सबके बाद भी सवाल वहीं पे खड़ा है कि शिखा कहाँ है। सुमित कुछ वक्त के लिए हमें लगा था कि तुम इस कहानी के हीरो हो और शिखा हीरोइन, पर अब साफ है ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब सर? मुझे उस PCO वाले कॉल का मतलब समझाओ जिस PCO से फोन करके तुम दोनों ने अपने आप को जानबूझ के पकड़वाया था। हमने नहीं पकड़वाया सर, मैं शिखा को मना करता रहा मत करो कॉल मत करो कॉल, पर वो जिद पे अड़ी रही और अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। कहानी? कैसी कहानी? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? सर कहानी और बहाने तो आप बना रहे हैं जो 4 दिन से हमारी शिखा को ढूंढ नहीं पा रहे। ढूंढा उसे जाता है जो खो जाता है, पर हमें ये पता चला है कि पूरा का पूरा प्लान रचा गया था ताकि हम पूरब में ढूंढते रहें और सारा का सारा खेल पश्चिम में खेला जाता रहे और वो खिलाड़ी आप हो सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे कि हमने बाप बेटे ने मिलकर खुद हमारी शिखा को गायब करवा दिया? पापा सीधी बात करते हैं,
ये लोग तो ये सोचते हैं कि हमने हमारे शिखा को जान से मार दी। यही सोचते हैं। बोलो, शिखा को मार डाला या गायब कर दिया या फिर गायब करवा के मरवा दिया किसी किराए के हत्यारे के जरिए? बस बहुत हो गया, अब हम सीधे एसपी साहब से बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो हमारे समाज के बड़ों से बात करके बिरादरी की महासभा बुलवाएंगे। आपको जो करना है वो कीजिए, पर एक बात हम दावे के साथ कह रहे हैं, आपकी शिखा और सुमित का लव अफेयर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सर, 22 साल की मासूम सी शिखा क्या षड्यंत्र रचाएगी? पहले लव अफेयर होता है, फिर भाग के शादी, और फिर एक फोन कॉल आता है जिससे वो लोग पकड़े जाते हैं, और फिर शिखा ये कहती है कि वो सुमित से कोई वास्ता नहीं रखेगी, पर रखती है। दोनों के बीच में फोन पर बातें होती हैं और फिर शिखा गायब हो जाती है। और फिर आप हम पे शक करते हैं कि हमने हमारे शिखा को गायब करवा दिया या जान से मार दिया। सर, आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो ये सब साबित करता है? हमारे हाथ कुछ लगा तो जरूर है जिससे हम बहुत जल्द वो साबित करेंगे जो हकीकत में हुआ था। मैडम, पूरे शमीम बाग की एक एक गली में घुमाई तस्वीर, और इसे किसी ने नहीं देखा, यही कहोगे ना तुम? सारे लॉज खंगाले? तीन ही तो लॉज है मैडम, और मैडम एक अकेली सुंदर जवान लड़की लॉज में तो नहीं रहेगी, कम से कम शमीम बाग में तो नहीं। तो ये अकेली सुंदर जवान लड़की कहाँ रहेगी ये पता करो रॉकेट, हमें शिखा चाहिए। सर, लखनऊ से कोई भी लीड नहीं मिली, शिखा को वहाँ किसी ने नहीं देखा। सुजीत, अगर ऐसा है तो हम घूम फिर के फिर उसी एंगल पे आ गए कि अंदर की बात, घरेलू मामला, शिखा की लाश घर के अंदर ही कहीं दफन है। सर, एसपी साहब से तलाशी के ऑर्डर्स लेते और पूरे घर को खोद डालते, लेकिन सर ये चौहान फैमिली, इन्हें अगर शिखा को मारना ही था तो इतना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता क्यों अपनाया? मतलब एक मरे हुए विश्वास गुप्ता के नाम पे दो दो सिम कार्ड्स लिए, उन्हें 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक एक्टिव रखा, इतना बड़ा रिस्क फैमिली क्यों उठाएगी? कहीं ये दोनों नंबर किराए के हत्यारों को तो नहीं जो कत्ल की रात शोभापुर में मौजूद थे या फिर चौहान कोठी में मौजूद थे? पहले शिखा का कत्ल किया गया और उसके बाद इन दो पेशेवर हथियारों ने शिखा की लाश को कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठिकाने लगा दिया गया। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर ये दोनों नंबर 7 अक्टूबर को क्यों स्विच ऑफ हुए? कत्ल के तुरंत बाद क्या है? राजपाल जी, विशाल, कुछ पता चला? क्या बताऊं आशीष भैया, निकम्मी है पुलिस, हमें पे शक कर रही है, कह रही हमने मिलकर हमारे शिखा को गायब करवाया, बर्बाद किया शिखा को। कभी कभी हम सोचते हैं कि गलती हमारी हो, हम कैसे पहचान नहीं पाए कि हमारी नजर के सामने हमारी शिखा पर जादू टोना किया गया, तुम्हें पता ही नहीं चल। क्या कमी रहेगी जान की, प्यार में, संस्कार में, क्यों ऐसे मनहूस दिन देखने पड़ रहे हमें? हेलो सर, लखनऊ साइबर सेल से सुशील मिश्रा बात करो। बोले मिश्रा जी। सर, ये दो नंबर्स जो आपने ट्रैक करने के लिए दिए थे 444567897 और 444567898, इसमें से 444567897 नंबर जो है उस इंस्ट्रूमेंट में कोई दूसरा सिम कार्ड एक्टिव है। वो सिम किसके नाम पे है, डिटेल? सर, कोई आशीष दीक्षित है, शोभापुर का एड्रेस है, इसका मोबाइल फोन्स का शॉप है, वहीं का एड्रेस है। ये दो नंबर जो है सर, ये दोनों आशीष दीक्षित की मोबाइल फोन की शॉप से ही इशू हुए थे, एड्रेस भी उसी शॉप का है। जहान परिवार का पड़ोसी आशीष दीक्षित। आशीष दीक्षित, क्या गेम खेला है? सर, एक खिलाड़ी कम बुकी ज्यादा लग रहा था, एक मृत आदमी के नाम पर दो दो सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था, आखिर इसका प्लान क्या था? इसकी चौहान परिवार से कोई हिस्ट्री थी क्या? कोई सीक्रेट दुश्मनी पाल रहा था कुछ सालों से, शिखा से कोई दुश्मनी, आखिर ये सब क्यों किया गया था? गुमराह करने के लिए, पर सिर्फ हमें नहीं, इस कहां के सभी स्टेक होल्डर्स को गुमराह करने के लिए। शिखा और सुमित जब पहली बार घर से भागे थे तो आगरा से शिखा ने जो फोन कॉल किया था वो फोन कॉल इस डायवर्जन टैक्टिक का पहला पैंतरा था, और ये खेल बहुत पहले शुरू हो चुका था। दरअसल ये क्लासिक केस था जहां जुर्म का शिकारी शिकार पर निकलता है और इसका शिकारी खुद भी शिकार बन जाता है। सुना जो गेम तू खेल रहा है, अब उसकी कमेंट्री भी तो खुद ही सुनाएगा। जल्दी बोल, माजरा क्या है, इन दोनों फोन्स का राज क्या है, बोल। सर, वो दूसरा फोन 444567898 मैंने शिखा को दिया था। और ये विश्वास गुप्ता कहाँ से आ गया? सचमुच उसे हार्ट अटैक हुआ था या फिर तुम्हारे हाथों अटैक हुआ था उस पर? नहीं मैडम, मैं किसी विश्वास गुप्ता को नहीं जानता, मुझे तो उसका पर्स मिला था लखनऊ में
बस की सीट के नीचे। और तुमने उसके आईडी कार्ड से दो प्रीपेड सिम कार्ड लिए? जी सर। शिखा कहाँ है इस वक्त? एक और। ए शिखा दो। हाँ मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तू पिएगी? आपके हाथ के चाय को ना कोई पागल ही ना कहेगा, वैसे आपके हाथ के पकौड़े को भी कोई मना नहीं करेगा। बातें बनाना तो भाई तुझसे सीखे, चल हाथ बटा। हाँ आजा तू खेल, ठीक है? हमारा घर शिखा के लिए दूसरा घर जैसा था सर, हम सब की आपस में बहुत बनती थी। तो शिखा की जिंदगी क्यों बिगाड़ी, चौहान परिवार में आग क्यों लगाई? सर आग तो इसके और शिखा के बीच में लगी हुई होगी, क्यों? ठीक कह रही हूँ ना मैं? लेकिन शुरुआत मैंने नहीं की थी, पहल उसी ने की थी। जब पूजा अपने मायके जाती थी तब शिखा हमारे घर पर आती, पूजा की गैर हाजिरी में वो कुछ ज्यादा ही आने लगी थी हमारे घर, और फिर उसने पहला कदम बढ़ाया। शादी? हाँ ब्याह, मैरिज, बोलो कब करें? शिखा क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसी बात नहीं है, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। पूजा हमारे रास्ते का कांटा है ना? नहीं, वो मेरी हकीकत है। और मैं एक सपना जो सोकर उठते ही भूल जाओ? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ऐसा नहीं है। मैं तुम दोनों के बीच बट गया हूँ। आशीष मैं बहुत ही लाडों से बड़ी हुई हूँ, मैं अपनी कोई भी चीज किसी से नहीं बांटती। तो बोलो पूजा से कब बात करोगे? मेरे ग्रेजुएशन से पहले उसे डिवोर्स ले लेना, ठीक है? कॉलेज जाते वक्त तुमने मुझे स्माइल क्यों नहीं दी? शिखा तुमने आंख मारी थी मुझे, और तुम्हारे घर वाले भी वहां थे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? पल्ला झाड़ा जा रहा है, पिछले हफ्ते पूजा 4 दिन के लिए मायके गई थी, वो 4 दिन तुम अपने दुकान में थे। शिखा तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर? जब मेरे साथ सेक्स एंजॉय करते हो तब तुमने मुझे समझने की कोशिश की, तो अब समझो आशीष मैं वो 3 महीने वाली सस्ती हैंडसेट नहीं हूँ। आशीष मैंने तुमसे प्यार किया है फिर सेक्स, और अब हम लाइफ टाइम के लिए बंध चुके हैं। अगले साल से मेरा नाम होगा मिसेस शिखा आशीष दीक्षित। शिखा तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। सब मुमकिन है आशीष, मैं अभी घर जाकर पूजा को सब कुछ बता देती हूँ, वो सारे ऑटोग्राफ दिखा देती हूँ जो तुमने मुझे दिए, हमारे प्यार के डिटेल सुना देती हूँ, फिर तो डिवोर्स आसान हो जाएगा। शिखा मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल भी कर सकती हो? नहीं आशीष ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, और मेरा यकीन मानो मैं पूजा से भी अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी। मैं पूजा के साथ कभी नाखुश नहीं था सर, बहुत प्यार करता हूँ उससे। निशा मेरी बच्ची जान है मेरी, वो मेरे और शिखा के बीच में जो जिस्मानी संबंध बने वो एक कमज़ोर पलों में बने, कमज़ोर रिश्ता था सर वो, और जब उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया तो मेरे अंदर जितनी भी चाहत थी उसके लिए सब खत्म हो गई, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। आगे बोल, आगे बोल, इस वक्त हमारे बर्दाश्त की बैटरी सुपर लो है। अब आप इसे लव स्टोरी कहें या ब्लैकमेल स्टोरी, लेकिन एक स्टोरी तो है मेरी और शिखा की। तो इस सब के बीच में सुमित कहाँ से आया? ना चाहते हुए भी मजबूरन मुझे शिखा को अकेले मिलना पड़ता था, उसके तेवर झेलने पड़ते थे। अरे आगे तुम, अब क्या हुआ? मैं टाइम पे आया हूँ ना, तुम लेट हो आज। नहीं तुम लेट हो, जो डिवोर्स लेकर मेरा हाथ नहीं मांग रहे पापा से, और चूंकि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो कोई ऐरा गहरा नथु खेरा मुझे प्रपोज करने में तुला है, कुछ सुमित नाम का है सोमा के गांव से, अपने दोस्त को आगे कर रहा है मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए। सुनिए शिखा, सुमित अच्छा लड़का है, वो मरता है तुम पर। पता नहीं क्या समझ के रखा है अपने आप को, दिखने में ना एकदम घोचू दिखता है पर अपने आप को ना एकदम हीरो समझता है। हीरो
किसे कहो? तुम्हें सुमित के साथ अफेयर करना होगा ताकि तुम्हारे रास्ते का कांटा क्लियर हो जाए। नहीं शिखा, ताकि हम दोनों का रास्ता साफ हो सके। मेरा उस घोचो के साथ अफेयर होना कौन सा नया रास्ता बनाएगा? तुम्हें सिर्फ उसके साथ अफेयर ही नहीं करना है बल्कि भागकर शादी भी करनी है। आशीष, भद्देपना की हद होती है। शिखा, सुमित राठी है, अलग जाति का है। जब तुम उसके साथ शादी करोगी ना तो बवाल होगा, और लौट कराओगी तो और ज्यादा बवाल होगा। आशीष, ये क्या बवाल बवाल किए जा रहे हैं? मामले हो गए क्या? नहीं शिखा, देखो जब तुम वापस लौट कराओगी ना तो दोनों समाज के लोग तुम दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे पूरी ताकत से, और तुम अलग हो जाओगी। बात समझ रही हो ना मेरी? फिर क्या होगा? फिर तुम दोबारा भागोगी, लेकिन इस बार अकेले। अकेली? तुम भी साथ चलो ना। चलूंगा शिखा, लेकिन इस बार सिर्फ तुम, क्योंकि पुलिस, पंचायत, समाज, सब लोग सिर्फ और सिर्फ सुमित राठी के खून के प्यासे होंगे, और उसे घंटा कुछ नहीं पता होगा क्या हो रहा है। वो भी खूब बौखलाएगा, चिल्लाएगा, दोनों जातियों में जंग छिड़ जाएगी, और उस जंग की आग में लोग तुम्हें भूल जाएंगे। उसके 2-3 दिन के बाद मैं गायब हो जाऊंगा, तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप, पूजा, समाज, सब कुछ छोड़ के हम दोनों कहीं दूर चलेंगे, बहुत दूर। अगर तुम सीधे सीधे पूजा को डिवोर्स देते हो, सर उठाकर मेरा हाथ पापा से मांगते हो, तो तुम्हें नहीं लगता वो ज्यादा आसान और सही रहेगा? मैं दे रही हूँ ना तुम्हें ग्रेजुएशन तक का टाइम। तुम्हें क्या लगता है वो लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे? काट कर फेंक देंगे हम दोनों को। नहीं करेंगे, मैं उनकी लाडली हूँ। कितनी लाडली हूँ मुझे पता है, और कितना विश्वास करते हैं वो मैं जानता हूँ। एक फोन तक तो तुमको दिया नहीं आज तक, और मुझे देखो सेलफोन की दुकान चलाता हूँ। तुम उससे शादी करना चाहती थी, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो ये मेरा सोचा हुआ सबसे सही प्लान है, एकदम अव्वल, और इसके लिए तुम्हें ग्रेजुएशन तक वेट भी नहीं करना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। I'm sorry, तुम्हारे साथ अकड़ के बात करने के लिए। सुमित आसान शिकार था, तुरंत शिखा के नाटक पर लट्टू हो गया। शिखा मुझसे शादी करोगी? मैंने पहले से शिखा से क्लियर कर रखा था कि वो सिर्फ अपने पापा के फोन का इस्तेमाल करेगी सुमित से बात करने के लिए, ताकि आप पुलिस वाले जब राजपाल चौहान के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाते तब आपको सीधे सीधे सुमित का नंबर मिलता, और ये झूठा लव अफेयर दुनिया के सामने आ जाता। तुम तीनों में से किसी का फोन इस्तेमाल नहीं करूंगी, पीसीओ से फोन करती हूँ। शिखा ने आगरा के पीसीओ से जो फोन किया था उसका भी एक क्लियर मकसद था, उसके घर वालों और आप पुलिस वालों को उनके ठिकाने तक पहुंचाना और उन्हें पकड़वाना। कमाल है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। पता है सुमित आके धमकी देने लगा पापा और भैया को। पता है, सब देखा मैंने, ये तो होना ही था। अब आप असली प्रेमी कब यहाँ से भागेंगे? बहुत जल्द, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, सुमित को एक फोन करना होगा। अब फिर से फोन क्यों? सेम पैटर्न। देखो पिछली बार तुम्हारे पापा के कॉल रिकॉर्ड से सुमित का नंबर मिला था, इस बार सुमित फंसेगा क्योंकि उसके फोन रिकॉर्ड से तुम्हारे पापा का नंबर मिलेगा, और उसके बाद होगी उसकी कुटाई, और उसके 1-2 दिन बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पर मैं उससे बात क्या करूंगी? यही कि तुम उसे मिस करती हो, उसकी पत्नी हो, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बचा लो, ये सब कुछ, और उसके बाद वो इमोशनल हो जाएगा। फिर एक कॉल तुम्हारे भागने के बाद उसकी कब्र खोदेगा। मुझे लगता था कि तुम्हारा प्लान एकदम बकवास है, लेकिन सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, प्लान के हिसाब से चल रहा है। आगे भी सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, बस एक गलती मत करना, अपने पापा के नंबर से मुझे कॉल मत करना, जो नंबर मैंने तुम्हें दिया ना उससे कॉल करना, ठीक है? ठीक है। आशीष, शिखा को कहाँ छुपा रखा? उस रात सर मैं पूजा से ये कहकर निकला था कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। फिर मैंने गांव से बाहर आकर अपने दूसरे नंबर से शिखा के नंबर पर फोन किया और उसे बाहर आने के लिए कहा। यहाँ ये भी कोई रहने की जगह है? आशीष, तुमने तो कहा था कि आगरा में किसी फ्रेंड के घर रुकेंगे। असल क्या हुआ कि जो मेरा फ्रेंड है ना उसकी आंटी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसे फिरोजाबाद जाना पड़ गया, इसीलिए हम वहाँ नहीं रुक पाएंगे। लेकिन हम यहाँ भी तो नहीं रह सकते ना आशीष, देखो ना कितनी अजीब सी जगह है, कितनी डरावनी जगह है ये। शिखा, इतनी भी डरावनी नहीं है, तुम आराम से यहाँ के लिए रह लोगी।
अकेली? देखो आशीष, मजाक में भी ऐसी बातें मत करो, वैसे ही मूड ऑफ है। अब तक हमने जैसा प्लान किया था सब कुछ ठीक वैसा ही जा रहा है ना? हाँ, लेकिन मैं अकेली वकेली नहीं रहने वाली हूँ, कह देती हूँ। देखो शिखा, एक बात थी जो मैं मेरे दिमाग से निकल गई थी। देखो, अगर पहले तुम गायब होगी, उसके तुरंत बाद मैं गायब हो जाऊंगा, तब तो पुलिस दो और दो चार कर ही लेगी। लेकिन आशीष, तुमने तो कहा था कि बवाल मचेगा दोनों गाँव में, लोग हमें भूल जाएंगे। अच्छी तरह से याद करो मैंने क्या कहा। मैंने कहा था पहले तुम अकेली गायब होगी, उसके एक दो दिन के बाद मैं गायब हो जाऊंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा। क्योंकि आशीष, हम आगरा में किसी ढंग के घर में रहने वाले थे, यहाँ तो तुम भी अकेले रात नहीं गुजार सकते। देखो ना कितनी अजीब सी जगह है। तुम इधर देखो शिखा, मेरी आंखों में देखो, तुम्हारा सारा डर गायब हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ और कल सुबह खाना लेकर आऊंगा। नहीं नहीं आशीष, प्लीज ना आशीष, कहीं और, लेकिन यहाँ नहीं। नहीं बाबू, कहीं और इंतजाम नहीं हो पाएगा, मेरा यकीन करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी में कभी नहीं, मुझे ऐसे अकेले मत छोड़ना। कभी नहीं जाऊंगा बाबू, कभी नहीं। लेकिन रात इतनी भी बुरी नहीं कटी होगी। बुरी? रात भर जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। वहम होगा तुम्हारा, यहाँ कोई जानवर नहीं है। चलो खाना खाते हैं। मैंने पूरे 3 दिन के लिए शिखा को वहाँ रहने के लिए मना लिया, उसके लिए खाना वाना ले गया, उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है। लेकिन सर प्लान पूरा गड़बड़ा गया और यहाँ बवाल हद से ज्यादा बढ़ गया। तो 4-5-6 अक्टूबर तक तुम उसे खाना देने गए? जी। और 7 के बाद तुम ये जान गए कि अब और नहीं चलेगा? जी। 3 दिन से नहा ही नहीं, वही कपड़े पहने, तुम दिन में 1-1 घंटे के लिए 2 बार आते हो। आशीष मैं पागल हो रही, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। आशीष, शिखा कौन कह रहा कि तुम्हें और रहना है? मैंने तुम्हारे इंतजाम कर दिया है, सब कुछ सेटल हो जाएगा। जगह है सर, वहां कोई आता जाता नहीं है। शिखा के मर्डर का प्लान तुम बहुत पहले बना चुके थे, बहुत पहले। इसलिए तुमने शिखा को सुमित से प्यार के नाटक का और शादी करने का प्लान समझा? जी नहीं। जी नहीं के बच्चे, नहीं तो क्या तुम शिखा से शादी करने वाले थे? छोड़ देते अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को, अपने मोबाइल के काम को और शिखा के साथ घर बसा लेते? तुमने शिखा को मारने का प्लान बहुत बारीकी से बनाया, बहुत शातिर दिमाग से ऐसा प्लान बनाया ताकि शिखा के कत्ल का सारा इल्जाम सुमित के ऊपर आए। बस स्वर्गीय विश्वास गुप्ता की आत्मा ने तुझे पकड़वा दिया। उसके नाम पर लिए गए दोनों फोन ऐसे बजे कि तेरी लाइफ की बच गई। ये सच है विशाल, तुम्हारे भरोसेमंद पड़ोसी आशीष दीक्षित ने ही तुम्हारी बहन शिखा का कत्ल किया। उसी ने हमें बताया कि उसने लाश कहां दफनाई थी। मुझे लगा था मैंने सही पासा फेंका था, पर मुझे नहीं पता चला कि मैं खुद एक पासा था, इस्तेमाल किया गया और फेंक दिया गया। कुछ लोग प्यार के नाम पर एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, शोषण करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है। और ऐसी ही एक अनोखी तर्ज पर प्यार का खूबसूरत एहसास दिलाने आ रही है बिट्टू और मुन्नी की एक नई प्रेम कहानी। देखिए धारावाहिक जाट की जुगनी 3 अप्रैल से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी टीवी पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।